हेलो गाइस, इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ अगर आपके कंप्यूटर में कोई सा भी वायरस है उसको आपने कैसे निकालना है, कैसे उसको परमानेंटली रिमूव करना है। तो वायरस को निकालने के लिए सबसे पहले हमने उसको वीक करना होता है। तो ये बेसिकली टेम्परेली और प्रीफेस फाइल्स और टेम्प फाइल्स में ये स्टोर होता है। यहाँ पर एंटीवायरस सबसे पहले हमने उसको वहाँ से निकालना होता है। तो आपको विंडो प्लस आर बटन एक साथ दबाना, रन कमांड आपने ओपन करनी है। यहाँ पर आपको लिखना है टेम्प और एंटर कर देना है। जैसे ही आप एंटर करेंगे आपको ये सेलेक्ट ऑल कर लेना है कंट्रोल ए के साथ, और शिफ्ट के साथ आपको डिलीट कर देना है, और यस का बटन है, यहाँ से यस का बटन आपने दबा लेना है। इस तरीके से सारे यहाँ से फाइलें जो है डिलीट हो जाएंगी, जो टेम्परेली फाइल्स हैं। आपका कोई भी डेटा इसमें नहीं जाएगा। तो इसको मैं यहाँ से क्लोज कर देता हूँ। दोबारा से आपने विंडो प्लस आर करना है। इस बार आपने लिखना परसेंटेज टेम्प, फिर से परसेंटेज, और ये भी सीधा ओपन करेगा तुम्हारी टेम्परेली फाइल्स को। इसके अंदर आप सस्पिशियस फाइल और फोल्डर भी देख सकते हो, और आपको विंडो प्लस आर बटन एक साथ करके शिफ्ट डिलीट का बटन एक साथ दबा के कंटिन्यू कर देना है, और सारे यहाँ से डिलीट हो जाएंगे टेम्परेली फाइल्स। थोड़ा सा वेट करते हैं इसका। और जब तक ये कंप्लीट होता है, यहाँ पर मैं विंडो प्लस आर का बटन एक साथ करके प्रीफेस फाइल में यहाँ से डिलीट कर देते हैं इस तरीके से, और एंटर कर देना। आपको कंट्रोल ए और शिफ्ट प्लस डिलीट का बटन सेम, यस, और सारे यहाँ से डिलीट कर देने हैं। जो डिलीट नहीं हो रही उसको कोई दिक्कत नहीं है, उसको कैंसिल कर सकते हो आप। और यहाँ से टेम्परेली फाइल भी डिलीट हो चुकी है। एक बार और ट्राई कर लेते हैं इनको डिलीट करने का। कंटिन्यू, ओके, स्किप करते हैं इसको। तो उसके बाद जैसे ही कंप्लीट होगा आपने कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करना है, सीएमडी रन इट एज एडमिनिस्ट्रेटर करना है आपको। यस पे क्लिक करना है। एसएफसी स्पेस स्लैश स्कैन नाउ, ये जितने भी वायरस होंगे आपके कंप्यूटर के अंदर सबको रिमूव कर देगा। जैसे ये रिमूव करेगा दोस्तों, ये 100% तक जाएगा। उससे पहले आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा 10 से 15 मिनट का। तो ये 100% जैसे ही जाएगा आपको एक बार अपना सिस्टम रीस्टार्ट कर देना है। रीस्टार्ट करने के बाद आपको यहाँ पर जाना है, विंडोज सिक्योरिटी में सर्च करना आपको विंडोज सिक्योरिटी, और इसको ओपन कर लेना आपको। और तभी ये स्कैन अच्छे से कर पाएगा जब आप सारे टेम्परेली फाइल्स और एसएफसी कमांड चलाएंगे। यहाँ पर वायरस एंड थ्रेट प्रोटेक्शन, क्विक स्कैन करना आपको सबसे पहले। यहाँ से कोई थ्रेट मिलता है तो आपको उसको रिमूव कर देना है या क्वारंटाइन कर देना है। यहाँ से एरर सॉल्व नहीं होता, स्कैन ऑप्शंस में और भी ऑप्शन है। यहाँ पर आपको सबसे ये बेस्ट ऑप्शन है, ये मैंने खुद ट्राई कर रखा है, माइक्रोसॉफ्ट डिफेंडर ऑफलाइन, ये सबसे बेस्ट ऑप्शन है। रीस्टार्ट हो जाएगा आपका सिस्टम, और रीस्टार्ट होने के बाद ये सारी स्कैन करेगा फाइल्स को और रिमूव कर देगा ऑटोमेटिकली। जैसे ही आप स्कैन नाउ पर क्लिक करेंगे आपका सिस्टम रीस्टार्ट हो जाएगा और आपका इशू यहाँ से फिक्स हो जाएगा। यहाँ से भी आपका इशू फिक्स नहीं होता आपके पास फिर न्यू इंस्टॉलेशन बचता है, या फिर रीसेट कर सकता आप अपना पीसी, क्योंकि ये वायरस जो होते हैं काफी डेंजरस हो सकते हैं, आपकी इंफॉर्मेशन को लीक कर सकते हैं और आपके डेटा को ये चुरा सकते हैं, कॉन्फिडेंशियल डेटा को, बैंकिंग से रिलेटेड भी। तो आप रीसेट, गेट स्टार्टेड और कीप माई फाइल्स करना आपको यहाँ पर सबसे पहले, ताकि आपके जो पर्सनल डेटा है वो बना रहे। और यहाँ से लोकल री इंस्टॉल पर क्लिक कर लेना है, यहाँ से नेक्स्ट कर लेना है, और यहाँ से चार्जर लगा के आपको नेक्स्ट नेक्स्ट कर लेना है, और आपका सिस्टम रीस्टार्ट हो जाएगा और रीसेट भी हो जाएगा। आपका सिस्टम जो है फ्रेश, जैसा आपने न्यू परचेज किया होगा उस टाइम आपने विंडो डाली होगी, उसी तरीके का आपको मिलेगा आपका सिस्टम। तो उम्मीद है दोस्तों ये सब स्टेप्स परफॉर्म करने के बाद आपका इशू सॉल्व हो गया होगा। अगर रीसेट भी नहीं हो रहा आपका सिस्टम तो आप न्यू इंस्टॉल कर सकते हो बूटेबल पेन ड्राइव बना के। तो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।